लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ। आपको बकेट में पानी लेना है, ठीक है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, उसमें आप ऐड करो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसमें रोज पेटल्स भी आप ऐड कर सकते हो थोड़ी सी अच्छी माइल्ड फ्रेग्रेंस के लिए, आपको अच्छा भी बेटर फील होता है उससे। एंड इसमें आप थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल ऐड कर दो, बस कुछ ड्रॉप्स, 6 to 7 ड्रॉप्स, और उसको मिक्स कर लो थोड़ा सा, एंड उसी पानी को भी यूज़ करो नहाने के टाइम के। एंड यस, उस नहाने के बाद में आपको स्किन थोड़ी सी अच्छी लगेगी, अच्छी सी स्मेल आएगी, और ऑल डे मतलब पूरे दिन के लिए आप फ्रेश फील करोगे। लिप्स पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग विंटर, यू नो हमारे स्किन लिप्स की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, होंठ जो होते हैं हमारे फट जाते हैं, उससे ब्लड भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें पिगमेंटेशन की वजह से वो ब्लैक भी दिखने लगते हैं। तो मैं आपको दो स्टेप बता देती हूँ ईजी से कि आप उसको एक्सफोलिएट कैसे कर सकते हो वहाँ की स्किन को, एंड मास्क में बता दूंगी। तो एक्सफोलिएशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको लेना है थोड़ा सा शुगर, पाउडर शुगर आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है, उससे आपको क्या करना है अपने लिप्स की स्किन को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करना है, जो भी डेड स्किन वगैरह होगी ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगी। इसके बाद में आप मास्क बना लोगे, मास्क के लिए आपको थोड़ी सी चाहिए होगी मिल्क क्रीम, आप उसमें एक विटामिन ए का कैप्सूल ऐड कर दो, ठीक है, और आप उसमें ऑरेंज पील पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दो, आप बस उसको अच्छे से मिक्स कर लोगे, और ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स पे अप्लाई करोगे, 10 मिनट के लिए रखो लिप्स पे, एंड उसके बाद में लिप्स को वॉश कर लो, जो पिगमेंटेशन वगैरह होगी आपके लिप्स पे, जो डार्कनेस होगी वो धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएगी, साथ में ही जो ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम होती है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी, जिसको वीक में आप लोग 1 से 2 बार ट्राई कर लेना। अगर आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के साथ में उठना चाहते हो तो मेक श्योर यू पैम्पर इट बिफोर गोइंग टू बेड, आपको यू नो डीपली मॉइस्चराइज करना होगा आपके स्किन को, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना होगा, जो भी फेशियल पे अप्लाई किए जा सकते हैं एसेंशियल ऑयल जो होते लगा के बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सरसाइज करी, फेशियल एक्सरसाइज और मसाज करना, यू नो डीपली जिससे कि एब्जॉर्ब हो जाए ऑयल आपके स्किन पे। एंड यस, इस चीज को करके जब नेक्स्ट मॉर्निंग अब आपके स्किन को देखोगे आप बहुत ज्यादा यू नो आश्चर्यचकित रह जाओगे, वाकई में ये फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है हमारे स्किन पे बस अच्छे से मसाज करने के बाद में, स्पेशली विंटर में। तो प्लीज डेली रात में सोने से पहले 10 मिनट आपके स्किन को देना इस चीज को फॉलो करने के लिए, यू नो अच्छे से मसाज करना, प्रॉपर नींद भी लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड यू विल सी आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी ईच मॉर्निंग। स्किन को ग्लोइंग करने के लिए ना मैं आपको एक अमेजिंग सा भी ड्रिंक बता देती हूँ। देखो हम लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, रेमेडीज प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार इतनी सारी चीजें करने के बाद में कुछ तो मिसिंग है हमारे स्किन पे, लाइक कुछ तो थोड़ी बहुत कमी है। तो अगर वो नेचुरल सा ग्लो आपको आपके स्किन पे चाहिए, प्रॉब्लम्स भी आपको उसी टाइम पे ठीक करनी हो, तो उसके लिए आई थिंक ये वाला ड्रिंक बेस्ट रहेगा। एंड ये वाला जो ड्रिंक है ना, इसको मैंने मेरे स्किन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे भी यूज़ किया था, और इसको मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ एक्चुअली, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे दिखते हैं। देखो कुछ ऐसे गेम चेंजर यू नो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, स्किन को रेडिएंट करने के लिए। ओके, तो ड्रिंक बनाने के लिए देखो आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी होंगी, आपको सिर्फ एक टाइम पे एक फ्रूट लेना होगा, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे अनार लिया है, अभी आपको क्या करना है, सिंपल से इसको जूस निकालना है, जूसर की हेल्प से इसको पील ऑफ कर लो, इसके दाने जो है निकाल लो, जूसर की हेल्प से इसका जूस अच्छी तरह से घर पे बना लो, घर पे बनाना जैसे कि फ्रेश आप पी सको, और वो ज़्यादा सही रहता है, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पियोगे ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्लोइंग स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, आपके स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, इसमें विटामिन सी होता है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो स्किन को ग्लोइंग करने में हेल्प करता है, और विटामिन सी क्योंकि इसमें है तो यू नो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब सिंपली आप ये समझ लो कि एक्ने और डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट रहेगा। बस इसी तरीके से आपको इसको बनाना होगा डेली घर पे, एंड योर जूस फॉर स्किन ग्लो इज रेडी। इसको डेली लेना स्टार्ट कर दो, आपको सीरियसली बहुत ही ज्यादा कम टाइम में स्किन में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और सिर्फ स्किन में नहीं हेयर पे ओवर पूरी हेल्थ पे आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। तो इसको लेना आज से स्टार्ट कर दो। आपने नोटिस किया होगा विंटर में स्पेशली डार्क पैचेस बहुत ही ज्यादा यू नो विजिबल हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है विंटर में, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि ड्राई वेदर डिक्रीजेस द ह्यूमिडिटी ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर्स विच कॉजेस डार्क पैचेस ऑन द स्किन। तो इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की स्किन खराब लगने लगती है, मुझे भी बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और मुझे भी पसंद नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो या फिर रेटिनॉइड्स हो, वो काफी ज्यादा
अच्छा होता है हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना प्रोडक्ट बाय करने से पहले। एंड साथ में स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना होगा, टोनर यूज करना होगा, सीरम क्रीम, ये सारी चीजें आपको रूटीन में ऐड करे होंगे तभी जाके प्रॉब्लम सही होना स्टार्ट होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एक रेमेडी मैं आपको बता दूं अगर, तो आप लोग पोटैटो का जूस अपने स्किन पे अप्लाई करो। स्लाइसेस नहीं लगाने क्योंकि उसका जूस जो होता है फिर सही से हमारे स्किन पे लग नहीं पाता है। क्लीन फेस पे आपको क्या करना है, पोटैटो जूस लेना और अच्छी तरीके से कॉटन से लगा के 20 मिनट के लिए रखो। नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करो, डेली चीज को फॉलो करोगे तो बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है, विंटर चल भी रहा है तो क्या हो गया, हमको तो मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। भाई देखो, मेरे स्किन भी ऑयली है और मैं मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। अगर आप अभी इस गलत फहमी में हो कि आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली रहेगी ना, देखो मैं आपको पूरा रीजन बता देती हूँ कि करेक्ट क्या है। देखो होता क्या है कि भले हमारी स्किन ऑयली है बट विंटर में थोड़ी ना हमको पसीना आता है कि स्किन पे बहुत सारा ऑयल है तो लगाने की जरूरत नहीं है। विंटर में भी तो हमारी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई होती है ना, अगर बहुत ज्यादा ऑयली भी है तो ड्राई स्किन थोड़ी सी होगी, और जब हल्की से भी स्किन ड्राई होगी तो बॉडी क्या करेगा, वो नेचुरल ऑयल को प्रोड्यूस कर, वो क्या करेगा, नेचुरली ऑयल को प्रोड्यूस कर देगा। और क्योंकि जब प्रोड्यूस करेगा ऑयल को वो ज्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपी, ऑयली और गंदी सी दिखने लगती है। अगर आप उस चीज से बचना चाहते हो तो आप पहले ही खुद से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो कि बॉडी को नीड ही ना हो, बॉडी को जरूरत ही ना पड़े आपके स्किन पे ऑयल को प्रोड्यूस करने की, आपके स्किन को फिर खराब करने की। तो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए और हर एक स्किन टाइप को मॉइस्चराइजर विंटर में जरूर अप्लाई करना चाहिए। बट हाँ, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन पे किस चीज़ को यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट सही रहेगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अप्लाई करना चाहिए। पैम्पर योर स्किन विद अ शीट मास्क। अगर आपको इंस्टेंट आपके स्किन पे ग्लो चाहिए, मतलब अगर आपको डीपली मॉइस्चराइज करना है आपके स्किन को सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करने से, तो वो है शीट मास्क। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होता है ये, मतलब इसको लगा लोगे 15 मिनट के बाद में जब हटाओगे ना, बहुत ही नेचुरली मतलब ग्लो ऐड हो जाता है हमारे स्किन पे और स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगने लगती है। और बहुत सारे शीट मास्क तो अभी ऐसे भी आते हैं जो मतलब आप अगर उसको यूज़ करोगे तो उससे फेशियल प्रॉब्लम्स भी सही होंगे, मतलब अलग अलग टाइप्स के आप लोग ले सकते हैं आपके फेशियल यू नो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है, तो विंटर में इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यू नो ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको विंटर में स्पेशली क्या खाना चाहिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो बता देती हूँ। जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं, लाइक जो भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता देती हूँ जो टेस्टी भी होगा एंड यू नो उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाना कंज्यूम कर दो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए। एंड इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं, तो बहुत सारी ठंड जो हमको लगती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी। और ड्राई फ्रूट्स को आप डेली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, बट एक लिमिट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको एक दिन में कंज्यूम करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कैश्यू, आमंड कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स में आपको पसंद हो। चाय जब आप पी रहे हो उसी टाइम में आप थोड़ा सा खा लो, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे, ऑल्सो स्किन और हेयर को यू नो हेल्दी भी रखेंगे एंड ये एनर्जी लेवल्स को भी हाई रखते हैं। तो आई थिंक ये एक बढ़िया ऑप्शन है अपने आप को यू नो फिट रखने का और अपनी बॉडी को, स्किन को अच्छा करने का। सो ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये पिन करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।